स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्मार्ट इन्फोटेक। टैली का आज डे 3 होगा हमारा, जिस पर आज हम लोग रूल्स, जो टाइप्स ऑफ अकाउंट्स मैंने लास्ट टर्न पर आपको बताए थे डे 2 की क्लास में, तो उसके रूल्स हम लोग समझेंगे। और रूल्स को समझने के बाद हम थोड़ा सा बेसिक एसेंशियल्स पर चलेंगे। तो मैं फाइल खोलता हूँ, आपको समझाता हुआ आगे चलता हूँ। ये कुछ बेसिक से कुछ बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए कि ट्रेड किसे कहते हैं। ट्रेड मतलब व्यापार। प्रोप्राइटर, जो मैंने बताया, जो बिज़नेस का मालिक है, जो बिज़नेस को चला रहा है, उसकी देखरेख प्रॉपर वे में, पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, जो उसके प्रॉफिट और लॉस को बियर कर रहा है और पूरे बिज़नेस को मैनेज कर रहा है, बेसिकली आम तौर पर वो प्रोप्राइटर होता है। बाकी बड़ा बिज़नेस होता है तो मैनेज करने के लिए मैनेजर अलग होता है, हर चीज़ के लिए अलग अलग होता है। ट्रांजैक्शन, जो व्यापार में हम लेन देन करते हैं उनको ट्रांजैक्शंस की कैटेगरी में रखते हैं। अकाउंट, हम ऑलरेडी आपको लास्ट टर्न पर बता चुके हैं कि जो भी हमारे पर्सनल अकाउंट में चीज़ें आती हैं, जो रियल अकाउंट में चीज़ें आती हैं, जो नॉमिनल अकाउंट में चीज़ें आती हैं, वो सब अकाउंट्स हैं और इनको डेबिट क्रेडिट करना हम सीखेंगे। तो इसमें लिखा भी है, व्हेन अ ट्रांजैक्शन इज केप्ट इन बुक कीपिंग इन अ पर्टिकुलर प्लेस, जब हम अपनी अकाउंटिंग बुक्स में, जो भी हमारी बुक्स, जो भी रिपोर्ट्स होती हैं, उनमें रिलेटेड टू पर्सन, कमोडिटी, एक्सेट्रा कुछ भी हम लिखते हैं, दिस मेथड इज़ कॉल्ड एन अकाउंट। इसी को हम खाता बोलते हैं कि हमने पर्टिकुलर उसका खाता खोला है, उससे हमें इतना लेना या इतना देना बाकी है। तो वही लिखा है, फॉर दैट पर्टिकुलर पर्सन एक्सपेंसेस और इनकम एक्सेट्रा। देयर आर टू साइड्स इन ईच अकाउंट वेयर LHS नोन एज डेबिट, जहाँ लेफ्ट हैंड साइड को हम डेबिट में जानते हैं अकाउंट्स में और राइट हैंड साइड को क्रेडिट के नाम से जानते हैं। फिर है हमारे एसेंशियल्स। एसेंशियल्स के बाद हम रूल्स, अभी जो ऊपर हमारे रूल्स निकले हुए थे, मैंने बताया था ये रूल्स, आपको क्या करना है, इन रूल्स को एकदम रट लेना है एज इट इज़, जैसे लिखा है, ठीक है। ये रूल्स आपको सेम ऐसे ही याद रखने हैं, जैसे पर्सनल अकाउंट का रूल्स, अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज़ द रूल ऑफ पर्सनल अकाउंट, तो आपको याद होना चाहिए डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट का रूल, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। इनको मैं भी हिंदी में एक्सप्लेन करूँगा, ऐसे ही नॉमिनल अकाउंट का रूल है, इनको एक्सप्लेन करूँगा, इनके बारे में पूरा समझाऊँगा ताकि रूल लगाने में आपको कोई दिक्कत ना आए। लेकिन ये इसके बाद का टॉपिक होगा, एसेंशियल्स ऑफ बिजनेस का। तो एसेंशियल्स ऑफ बिजनेस में ये कुछ बिजनेस में यूज़ होने वाले वर्ड्स हैं, शब्दावली है, जिनका अर्थ आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जब हम लेन देन में अभी आगे चल के जब हम ट्रांजेक्शन करेंगे, लिखेंगे, अकाउंट्स मेंटेन करेंगे, तो ये सब बातें आएंगी, ये सब वर्ड्स आएंगे, तो हमें पता होना चाहिए कि किसका क्या यूज़ है। तो कैपिटल किसे कहते हैं, मैंने अपने वर्ड्स में सब कुछ लिख रखा है, आपको बहुत आसान भाषा में मिलेगा, पढ़ने में आपको मज़ा आएगा। कैपिटल क्या है, इट इज़ आर ओन मनी, दैट द मनी विच इज़ यूज बाई अस टू स्टार्ट बिजनेस, यानी जिस पैसे से हम व्यापार को शुरू करते हैं, यानी इन अदर वर्ड्स, कैपिटल इज़ अ पार्ट ऑफ लाइबिलिटी इन्वेस्टेड मनी इनटू एनी बिजनेस। व्यापार को शुरू करने में आपने जो पैसा बिजनेस में लगाया है, उसी को कैपिटल कहा गया है। सपोज़ आपने कोई फुटवेयर का शोरूम खोला, शोरूम में खोलने में आपने जो है 5 लाख रुपये लगा दिए, सब चीज़ लाने में, सारा सेटअप बनाने में, तो वो 5 लाख आपका कैपिटल कहलाएगा। अगला पॉइंट होता है ड्राॅइंग्स। ड्राइंग्स, यहाँ पर ये ड्राइंग और ड्राइंग्स में अंतर होता है। अकाउंट में एस का बहुत महत्व है बेटा, याद रखिएगा, अगर यहाँ पे हम ड्राइंग की बात करेंगे तो वो आर्ट हो जाएगा, कला, ठीक है, यही ड्राइंग्स है। ड्राइंग्स का मतलब यहाँ पर क्या होता है, ड्राइंग्स का मतलब होता है पर्सनल यूज़, यानी ये जो ड्राइंग्स है, ये ड्राइंग्स वर्ड है, इसका अर्थ होता है पर्सनल यूज़। पर्सनल यूज़ मैं यहाँ लिख दे रहा, पर्सनल यूज़, ठीक है, तो आप वीडियो पॉज करके इसका मतलब लिखना चाहें लिख लीजिएगा। तो ड्राइंग्स का मतलब क्या होता है, पर्सनल यूज़। पर्सनल यूज़ के लिए हम अपने बिजनेस से पैसा या माल, गुड्स, जिसका हम बिज़नेस कर रहे हैं, अगर वो हम अपने बिजनेस से विड्रॉ करते हैं, निकालते हैं, तो इसे हम ड्राइंग्स की कैटेगरी में रखेंगे। तो वही लिखा हुआ है, मनी और गुड्स व्हेन विड्रॉ फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज़। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखेंगे, पर्सनल यूज़, यानी आप अपने व्यापार के यूज़ के लिए निकाल लें तो उसे ड्राइंग्स नहीं कहा जाएगा, जब आप उसे पर्सनल यूज़ के लिए निकालेंगे तो उसे ड्राइंग्स कहा जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल, आपने फुटवेयर का जो है शोरूम खोला था, शॉप या शोरूम जो भी कह लें, मान लीजिए आपका छोटा भाई आया, उसने कहा कि भैया मेरे को ये शूज़ पसंद है, मुझे शूज़ चाहिए, तो आप उससे पैसे तो लोगे नहीं,
आप उसे कहोगे ठीक है ले लो, पहन लो जाओ। तो मान लीजिए वो जूता 1000 रुपये का था, 1000 रुपये की जोड़ी थी, तो वो 1000 रुपये आपका माल पर्सनल यूज में इस्तेमाल हुआ, तो ये 1000 रुपये का जो गुड्स गया है ये ड्रॉइंग्स कहलाएगा। या इसको दूसरे एग्जांपल से समझ सकते हैं कि फॉर एग्जांपल आपको अचानक से कुछ पैसों की ज़रूरत पड़ गई, तो या तो अब आप किसी से उधार मांगे, तो आपने सोचा यार उधार किसी से मांगने से बेहतर है जो बिज़नेस में पैसा रखा हुआ है, जो व्यापार में पैसा रखा है उससे हम अपनी ज़रूरत अभी पूरी कर लें, बाद में वापस कर लेंगे। तो व्यापार से अपने निजी प्रयोग के लिए, पर्सनल यूज़ के लिए निकाला हुआ पैसा या माल ड्रॉइंग्स कहलाता है, और ये हमारी कैपिटल को कम करता है। मिसाल के तौर पे 5 लाख रुपए कैपिटल आपने लगाई थी अपने शोरूम में, 1000 का जूता निकाल लिया, तो अब आपकी जो कैपिटल बची वो 4,99,000 की बची, तो ड्रॉइंग्स कैपिटल को घटाता है। एग्जाम्पल यहाँ पर भी है, उसे भी समझें। सपोज अ ट्रेडर्स, एक व्यापारी की कैपिटल है 50,000 रुपये, और वो 5,000 रुपये नगद और 2,000 रुपये का माल पर्सनल यूज़ के लिए निकालता है, तो यानी उसने टोटल ड्रॉइंग्स कितना करा, 5,000 नगद लिए और 2,000 रुपये का माल, यानी 7,000 रुपये का उसने पर्सनल यूज़ करा, तो ये 7,000 ड्रॉइंग्स कहलाएगा। वही लिखा है आगे, द रिमेनिंग ट्रेडर्स कैपिटल विल बी, मैंने बताया ड्रॉइंग्स कैपिटल को घटाता है, तो 50,000 माइनस 7,000, अब जो नेट कैपिटल कहलाएगी इस व्यापारी की वो 43,000 यानी 43,000 रुपये कहलाएगी। ठीक है बेटा, अगला पॉइंट हमारा आता है परचेज़। अब परचेज़ क्या होता है, देखिए यहाँ पर दो बातें हैं, एक चीज़ हम आपको क्लियर कर दें। एक होता है परचेज़, अब परचेज़ का मतलब दो चीज़ें समझिएगा। परचेज़ का बेसिकली यूज़ हम खरीदना से अर्थ लगाते हैं, लेकिन क्या खरीदना, आप जिसका बिजनेस कर रहे हैं गुड्स, ठीक है, आप उसे भी खरीदते हैं और आप एसेट्स को भी परचेज करते हैं। हालांकि एसेट्स वर्ड अभी आगे मिलेगा, लेकिन अभी समझना ज़रूरी है ताकि ये हमें समझ में आ जाए। तो पहले हम यही जान लें कि गुड्स वर्सेस एसेट्स क्या होती हैं। ये अगर हमें ये क्लियर हो जाए तो हम परचेज़ का अर्थ अच्छे से समझ जाएंगे कि गुड्स वर्सेस एसेट्स, ठीक है। तो गुड्स वर्सेस परचेज़ की अगर हम बात कर रहे हैं, तो गुड्स का मतलब हुआ माल जिसका हम बिजनेस कर रहे हैं, यानी जो चीज़ आप बेचने के लिए ख़रीद रहे हो। आप कैसे पहचानोगे कि गुड्स हम किसे कहें, तो उसका मैं सिंपल सा फंडा आपको बता रहा हूँ, जो चीज़ आप बेचने के लिए ख़रीद रहे हो उसे हम गुड्स की कैटेगरी में रखेंगे। तो नंबर वन, पहला पॉइंट क्या बताया, जो चीज़ हम बेचने के लिए ख़रीद रहे हैं वो हमारा गुड्स कहलाएगा, ठीक। नंबर वन के एग्जांपल को पहले समझ लें, जैसे हम लोग ने एग्जांपल लिया था हमारी फुटवेयर की शॉप थी, तो जो हमारी फुटवेयर की शॉप थी उसमें फुटवेयर की शॉप में था क्या कि हमने बेचने का काम किया, हमारा शूज़ जूते सैंडल्स वगैरह हम जो है बेचेंगे, तो यहाँ पर जो शूज़ वगैरह हम सारी चीज़ें बेच रहे हैं तो ये हमारा माल कहलाएगा, क्योंकि इसे हम बेचने के लिए ही ख़रीद रहे हैं। लेकिन उस शॉप में, उस शोरूम में अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो वहाँ और भी बहुत सारी चीज़ें होंगी। अब वो बहुत सारी चीज़ें क्या होंगी, जैसे वहाँ पर बैठने के लिए सोफ़ा या चेयर्स वगैरह होंगी, कंप्यूटर रखा होगा बिल निकालने के लिए, टेबल लगी होगी, पंखे लगे होंगे, हो सकता है टीवी भी लगाओ अगर अच्छा शोरूम है, एसी भी लगाओ, कूलर लगाओ, कुछ भी लगाओ, प्रिंटर होगा बिल प्रिंट कराने के लिए। तो ये सब चीज़ें तो हम नहीं बेचेंगे ना, हम बेचेंगे क्या, जो वहाँ पर शूज़ हैं, यानी जिनको हम बेचने के लिए ख़रीदते हैं वो हमारे गुड्स कहलाएंगे, और जिनको बिजनेस में रखने के लिए, जिससे बिजनेस अच्छे से चले और एक्सपेंड हो, बिजनेस आगे बढ़े, या बिजनेस को चलाने के लिए जो चीज़ें कंपलसरी हैं वो सब हमारी एसेट्स कहलाती हैं। मिसाल के तौर पे अगर वहाँ पर हम बैठने, कस्टमर के बैठने की व्यवस्था नहीं रखेंगे, पंखा वगैरह कुछ नहीं लगाएंगे, तो हमारे बिजनेस पर इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। तो बिजनेस को अच्छे से चलाने के लिए जो भी और चीज़ों की हमें ज़रूरत होती है वो हम एसेट्स की कैटेगरी में रखते हैं। एसेट्स भी दो तरीके की होती हैं, मूवेबल इमूवेबल, जो कि फिक्स्ड एसेट्स के अंतर्गत आती हैं। अभी ये टॉपिक आगे आपको मिलेगा आगे के पॉइंट्स में, फिलहाल अभी हमें जानना है कि गुड्स और एसेट्स में क्या अंतर है।
तो गुड्स और एसेट्स में हमारा क्या अंतर है? सिंपल सा हमने आपको एक्सप्लेन किया। तो नंबर वन, जिस चीज़ को हम बेचने के लिए खरीदते हैं वो गुड्स होता है। नंबर टू में आप रख सकते हैं इसकी एक और लाइन कि जिन चीज़ों पर आपको प्रॉफिट या लॉस हो रहा है बेचने से, जिन चीज़ों पर आपको प्रॉफिट या लॉस हो रहा है बेचने से, वो भी हमारा गुड्स है। नंबर थ्री, गुड्स वो जो हमारा ट्रेडमार्क है, जिससे हमारे बिजनेस की पहचान है, वो हमारा गुड्स कहलाएगा। ठीक है, जिसके बिहाफ पे हम जाने जाते हैं, हाँ कि भाई फला की शॉप है, फुटवियर, फला फुटवियर शॉप। अब फुटवियर शॉप है, नाम से पता चल रहा है यहाँ फुटवियर का काम है, तो एक ट्रेडमार्क है आपका ये। तो ये गुड्स और एसेट्स में अंतर होता है। अब परचेज का मतलब हमने बताया ख़रीदना, तो क्या खरीदना? खरीद तो हम दोनों चीज़ रहे हैं, हम माल भी खरीद रहे हैं और हम बिजनेस में और भी चीज़ों को, जैसे कूलर, फैन, फर्नीचर, और भी चीज़ों को खरीद रहे, यानी संपत्तियों को खरीद रहे। तो परचेज में क्या शामिल होगा? परचेज में शामिल होगा आपका गुड्स, ये। ठीक है, तो जब भी परचेज की बात होगी मतलब माल खरीदना, क्या कहलाएगा? माल खरीदना। गुड्स परचेज करना मतलब परचेज। तो देखिए यहाँ पर वही चीज़ डिफाइन की गई है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए लिखा है परचेज के बारे में, द गुड्स विच आर परचेज्ड फॉर सेल इज कॉल्ड परचेज्ड। यानी माल खरीदने के लिए जो भी जो है बेचने के लिए हम माल खरीद रहे हैं वो हमारा परचेज कहलाएगा। परचेज रिटर्न बहुत सिंपल है, इसको आप ऐसे ही समझ सकते हैं, एग्जांपल के साथ भी मैं समझाता चल रहा हूँ। जैसे सपोज करिए आपने 20 जोड़ी जूते खरीदे थे, तो 20 जोड़ी जूते आपके मिसाल के तौर पर सपोज करिए कि 1,000 रुपये की एक जोड़ी है, तो 20 जोड़ी जूते हमारे 20,000 रुपये के हो गए, ये हमारी परचेज हो गई। अब परचेज रिटर्न, रिटर्न मतलब वापसी। जब माल किसी कारणवश आप वापस करते हो जो ख़रीदा था, तो वो परचेज रिटर्न कहलाएगा। अब वापस करने के रीज़न क्या हो सकते हैं? हो सकता है जो माल का आपने ऑर्डर किया था वो डिफरेंट आर्टिकल आ गया हो, डैमेज गुड्स आ गया हो, साइज़ गलत आ गया हो, कलर गलत आ गया हो। ठीक है, तो मान लीजिए 20 जोड़ी में हमारे 4 जोड़ी जूते गड़बड़ आ गए, दूसरे आर्टिकल के, दूसरे डिज़ाइन के, या जो ऑर्डर नहीं किया था, या कुछ गड़बड़ आ गया, डिफेक्ट आ गया, ख़राब आ गया, वॉट एवर द रीज़न। तो 4 जोड़ी यानी एक जोड़ी 1,000 की थी, तो ये 4,000 रुपये हमारी परचेज रिटर्न कहलाएगी। फिर वर्ड है क्रेडिट परचेज। क्रेडिट यहाँ पर जो वर्ड है, क्रेडिट का मतलब यहाँ पे ये डेबिट क्रेडिट वाला क्रेडिट नहीं है, ये एक इंग्लिश वर्ड है, और इस क्रेडिट का मतलब होता है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा, उधार। ठीक है, तो क्रेडिट का मतलब हमारा क्या होता है? क्रेडिट मीन्स उधार। तो जो भी आप उधार माल खरीदोगे, ठीक है, अपने क्रेडिट पर, वो आपका क्रेडिट परचेज कहलाएगा। जैसे हमने 20,000 रुपये का माल खरीदा था, 5,000 रुपये का माल हमने और ख़रीदा उन्हीं से, लेकिन 5,000 रुपये की अभी हमने पेमेंट नहीं की, पेमेंट हमने कहा 1 महीने के बाद या 15 दिन के बाद करेंगे। तो ये जो 5,000 रुपये का हमने माल उधार खरीदा, ये हमारा क्रेडिट परचेज कहलाएगा। अब आता है नेट परचेज। नेट परचेज में कुछ स्पेशल नहीं है। नेट परचेज का मतलब फाइनली परचेज आपकी क्या है। तो जितना माल खरीदा वो उसका टोटल कर दें, और खरीदे हुए माल में से जो माल आपने वापस कर दिया उसको घटा दें, नेट परचेज आ जाएगी। जैसे क्या फॉर्मूला बना दिया है हमने, कैश परचेज प्लस क्रेडिट परचेज माइनस परचेज रिटर्न। और बहुत सिंपल है, नगद माल हमने खरीदा था 20,000 का प्लस क्रेडिट परचेज, उधार माल खरीदा था 5,000 का, ये हो गया 25,000 माइनस परचेज रिटर्न, जो माल हमने वापस किया, माल वापस किया हमने 4,000 का, तो 25,000 माइनस 4,000 यानी 21,000 रुपये यहाँ पर हमारी नेट परचेज कहलाएगी। अगर परचेज आपको क्लियर है बेटा, तो सेल्स आप अपने आप समझ लेंगे। सेल्स में कुछ स्पेशल चीज़ नहीं है। सेल्स का मतलब है माल बेचना, ठीक है, जैसे वो माल खरीदना था, ये माल बेचना है। ठीक है, तो द गुड्स सोल्ड मतलब जो माल हम बेच रहे हैं।